हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी शीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, डेली की तरह बेस्ट क्वेश्चनों को लेकर के आपके समक्ष आ गई हूँ। यूथ कंपटीशन चैप्टर वाइज एमसीक्यू का प्रैक्टिस करा रही हूँ, जिसमें से 11,000 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर है सारी शिक्षा का इतिहास एवं विभिन्न खेल के संगठन एंड संस्थाएँ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। और जो भी इसमें कहीं कहीं 1% कहीं कहीं मिस्टेक है टाइपिंग में या क्वेश्चंस में, तो उसको करेक्शन करके मैं आपके समक्ष ला रही हूँ। एंड फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे सभी प्रकार के वीडियोज, थ्योरी सेशन, एमसीक्यू प्रैक्टिस, वन लाइनर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड बेस्ट क्वेश्चनों का प्रैक्टिस, रिवीजन, सभी चीज़ें अवेलेबल है बिल्कुल फ्री में। चाहे आप TGT PGT UP की तैयारी कर रहे हो, चाहे UPLT ग्रेड की, MP सुपर ग्रेड टू वर्ग 2-3 एंड बिहार या स्टेट या BPSC एंड UGC नेट, KVS, NVS जो भी तैयारी कर रहे हों, एकलव्य मॉडल स्कूल जितने भी हैं, ऑल फिजिकल कंपटीशन एग्जाम के लिए मेरे चैनल पर सभी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, डेली बेसिस पर आप प्रैक्टिस कीजिए, अवश्य आपको सफलता मिलेगी। तो इसी मोटिवेशन के साथ चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आप अपना स्कोर चेक कीजिए और कहाँ पे आपको किस टॉपिक में मिस्टेक है उसको सुधार कीजिए। तो क्वेश्चन है दोस्तों, आपको मैचिंग करना है दोनों में, सूची 1 सूची 2 में। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको मिलाना है वैदिक काल। वैदिक काल का समय कब से कब तक माना जाता है? तो 2500 से ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, यानी 2500 BC से 600 BC तक, यानी कि 1 का D हो जाएगा। ठीक है, 1 का D हो जाएगा। एंड पूर्व हिंदू काल, पूर्व हिंदू काल 600 से 320, यानी पूर्व हिंदू काल जो है 600 ईसा पूर्व से 320 BC मतलब ईसा पूर्व, AD मतलब ईसवी। ठीक है, तो 2 का B हो जाएगा। एंड इंडस वैली यानी सिंधु सभ्यता काल कब से कब तक माना जाता है? तो सिंधु सभ्यता 2350 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व पहले माना जाता है, तो तीसरा का हो जाएगा A। एंड मध्यकाल जो है, जिसे मुस्लिम काल भी कहते हैं, 1000 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से आपको मिलान करना है। ताराचंद कमेटी की स्थापना कब हुआ था दोस्तों, कब गठन किया गया था? तो ताराचंद कमेटी 1948 में गठन किया गया था। एंड शारीरिक शिक्षा मनोरंजन के केंद्रीय सलाहकार समिति परिषद की स्थापना कब किया गया था? 1950 में। एंड अखिल भारतीय खेल परिषद का गठन किया गया था 1954 में। ठीक है, यहाँ पे आपका A का 3 हो गया, B का 4 हो गया। ठीक है, A का 3, B का 4। ठीक है, एंड C का 2 हो गया, एंड D का 1 एडहॉक इंक्वायरी कमेटी। ये आपका 1 हो जाएगा, बट ये गलत है, क्योंकि एडहॉक कमी समिति की जो गठन हुआ था 1958 में हुआ था, तो इसका 1958 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर B यहाँ पे राइट होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है करेक्ट, ताराचंद कमेटी 1948, शारी शिक्षा मनोरंजन के केंद्रीय सलाहकार समिति परिषद 1950, एंड अखिल भारतीय खेल परिषद यानी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स 1954, एंड एडहॉक समिति तदर्थ समिति 1958। क्वेश्चन में टाइपिंग में गलत है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक क्रम के अनुसार सही क्रम में चुनिए। तो आपको सब पता है, NSNIELCPE यानी लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन 1957 में, NSNIS पटियाला 1961 में, NDS नेशनल डिसिप्लिन स्कीम 1954 में, NFC नेशनल फिजिकल कॉर्प्स, NFC नेशनल फिटनेस कॉर्प्स 1900
65 में। तो यहाँ पे आपको क्रम के अनुसार देखना, तो सबसे पहले कौन हो जाएगा, सबसे पहले आपका होगा 1954 NDS, सबसे पहले 1954 NDS होगा, तो चौथा ऑप्शन पहले होगा, ठीक है। एंड NDS आपका पहले होगा, NDS कहाँ पे दिया हुआ है, NFC नहीं होगा दोस्तों, NDS होगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन पहले होगा, NDS 1954 आपका पहले होगा। उसके बाद कौन हो जाएगा, उसके बाद 1954 आपका सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन आपका राइट होगा NDS, ठीक 1954। उसके बाद 1957 LNCPE ग्वालियर 1 हो जाएगा, पहले तीसरा होगा फिर 1 होगा। उसके बाद दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा में आपका हो जाएगा NSNIS पटियाला, नेशनल नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला होगा 1961। फिर आपका लास्ट में होगा NFC नेशनल फिटनेस कॉर्प्स 1965, ठीक है 1965। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शारीरिक योग्यता क्राफ्ट यानी कि नेशनल फिजिकल, यहाँ पे राष्ट्रीय नेशनल शारीरिक योग्यता यानी कि नेशनल फिटनेस कॉर्प्स की बात कर रहा है, का कार्यक्रम कब बनाया गया, तो यह बनाया गया 1965 में, कब बनाया गया 1965 में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न संस्थाओं को सही क्रम अनुसार चिन्हित करें। यहाँ पे भी आपको जैसे क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ 1932 में, YMCA मद्रास 1920 में, राजकीय शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय हैदराबाद 1931 में, शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय कांदिवली 1938 में। तो यहाँ पे क्रम क्या हो जाएगा, सबसे छोटा से शुरू करेंगे, तो यहाँ पे YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास की स्थापना सबसे पहले हुआ था, तो पहला ऑप्शन पर हो जाएगा YMCA यानी कि दूसरा ऑप्शन पहले होगा। उसके बाद आपका होगा राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय हैदराबाद 1931 यानी कि तीसरा। उसके बाद आपका आएगा क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ 1932, ठीक है पहला ऑप्शन। फिर आपका चौथा ऑप्शन लास्ट में आएगा, सारी शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय कांदिवली मुंबई की स्थापना 1938 में हुआ था, तो चौथा में यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सही डिटेल दिया हुआ है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क कहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे स्टेटमेंट्स बेस पे क्वेश्चन है, अभिकथन ए है कि शारीरिक शिक्षा एक ऐच्छिक विषय है, ठीक है ऐच्छिक विषय राइट है। एंड इसका तर्क आर है कि शारीरिक शिक्षा विषय में अन्य संबंध विषयों से संबंध लिए जाते हैं, ये भी राइट है। इसका मतलब यहाँ पे राइट कौन हो जाएगा, यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ भी इस स्टेटमेंट बेस पे क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए अब कथन ये है कि शारीरिक शिक्षा एक ग्रहणशील शास्त्र है, इसके तर्क में आर है कि शारीरिक शिक्षा स्वयं का तत्व दूसरे शास्त्रों से उधार लेता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर ए ही राइट होगा,
ठीक है, कि ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपको स्टेटमेंट बेस पे है, कथन ए है कि खेल कूद में सांस्कृतिक मूल्य होते हैं। एकदम राइट है, खेल कूद में सांस्कृतिक मूल्य होते हैं। और देखते हैं इसका तर्क आर क्या दिया है, कि प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन ग्रीस के ओलंपिया क्षेत्र में उनकी देवता जीयस के समानार्थ किया जाता था। तो ये बात सही है, प्राचीन ओलंपिक जो है ओलंपिया क्षेत्र में ग्रीस में जीयस देवता के समान में आयोजित किया जाता था। इस प्रकार खेलों में सांस्कृतिक मूल्य है, यानी कि अभिकथन ए और उसका जो कारण है आर तर्क, वो भी दोनों सही हैं। तो यहाँ पे आपका कौन इस सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए भी यहाँ भी सही है, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सूची वन को टू से मिलान करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखना है NSNIS यानी कि नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट स्पोर्ट्स कहाँ पे है, पटियाला में है। 1961 में 7 मई 1961 में इसकी स्थापना हुआ, तो ए का टू हो जाएगा, ठीक है, ए का टू हो जाएगा। NSAI यानी कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1984 को हुआ, इसका मुख्यालय है ये दिल्ली, ठीक है। तो बी का थ्री हो जाएगा। एंड YMCA यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन की स्थापना भारत में चेन्नई में हुआ और 1920 में, तो सी का वन हो जाएगा। एंड LNIPE लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ है, ग्वालियर में, जिसकी स्थापना 1957 में हुआ, तो डी का फोर हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होता है। तो यहाँ पे इसका डिटेल दिया हुआ है। एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथलीट शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई थी। तो दोस्तों एथलीट शब्द की उत्पत्ति जो है एथेंस से हुआ है, ग्रीस के एथेंस से। यहाँ पे उसके जो एथलीट की शब्द है, यह दौड़ कूद एवं फेंक जैसे खेलों की रोमांचकता एवं लोकप्रियता के कारण ही विश्व स्पोर्ट्स मंच पर एथलेटिक्स को खेलों की रानी कहा जाता है। एंड खेलों की माता किसे कहा जाता है, जिम्नास्टिक को, दोनों याद रखिएगा। इसे यूनानी भाषा में एथलीट को एथलोस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रतियोगिता। इसमें दौड़ कूद फेंक आदि जैसी स्पर्धाएं सम्मिलित हैं। भारत में एथलीट का तात्पर्य ऐसे खिलाड़ियों से है जो दौड़ कूद एवं फेंक जैसी स्पर्धाओं में भाग लेते हैं, जबकि यूरोप में अमेरिका में किसी भी खेल में भाग लेने वाले खिलाड़ी को एथलीट कहा जाता है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में व्यावसायिक तैयारी हेतु चलाए जाने वाले कोर्स नीचे दिए गए हैं, कोड का प्रयोग करते हुए उनका नियंत्रक संस्था बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे CPA BPE कोचिंग डिप्लोमा MPA। तो यहाँ पे CPA जो है राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा चलाया जाता है, एंड BPE जो है NCTE के द्वारा चलाया जाता है, एंड कोचिंग डिप्लोमा जो है SAI साई के द्वारा चलाया जाता है, एंड MPA जो है वह विश्वविद्यालय के द्वारा चलाया जाता है। तो इस प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका डिटेल, यहाँ पे देख सकते हैं CPA राज्य बोर्ड, राज्य शिक्षा बोर्ड यानी स्टेट एजुकेशन बोर्ड के द्वारा, BPE NCTE यानी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के द्वारा, एंड कोचिंग डिप्लोमा जो है साई स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, एंड MPA जो है विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी द्वारा, जैसे कि LNCPE, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा का आधार किससे मजबूत होता है। तो दोस्तों शारीरिक शिक्षा का जो आधार है वो वैज्ञानिक कारकों पर निर्भर करता है। शारीरिक शिक्षा मूल रूप से वैज्ञानिक तथ्यों पर
शरीर की अवसंरचना पर काम करता है तथा सही शिक्षा वैज्ञानिक रूप से अपने आधार को मजबूती से रखता है। नेक्स्ट है, व्यक्ति के संपूर्ण विकास में सम्मिलित है। तो दोस्तों, व्यक्ति के संपूर्ण विकास में क्या सम्मिलित है? तो दोस्तों, व्यक्ति के संपूर्ण विकास में सम्मिलित आपका यहाँ पे गलत आपका आंसर दिया है। सामाजिक भावनात्मक विकास यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, क्योंकि संपूर्ण विकास में शारीरिक मानसिक विकास, सामाजिक भावनात्मक विकास, नैतिक आत्मिक विकास, उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट होना चाहिए। ठीक है, उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट होगा। जैसे कि हर मनुष्य का अपना अपना व्यक्तित्व है, वही मनुष्य की पहचान है। लाखों की भीड़ों में भी मनुष्य वह अपने निराले व्यक्तित्व के कारण पहचान लिया जाता है। यही उसकी विशेषता होता है, यही उसका व्यक्तित्व होता है। प्रकृति का यह नियम है कि एक मनुष्य की आकृति दूसरे से अलग है। आकृति का यह जन्मजात भेद आकृति तक ही सीमित नहीं होता, उसके स्वभाव, उसके संस्कार, उसकी प्रवृत्तियों से भी उसकी असमानता रहती है। इस असमानता में ही सृष्टि का सौंदर्य है। मनुष्य चरित्र को परखना भी बड़ा कठिन कार्य है, किंतु असंभव नहीं है। कठिन वह केवल इसलिए नहीं है कि उसमें विविध तत्वों का मिश्रण है, बल्कि इसलिए भी है कि नित्य नई परिस्थितियों के आधार पर वह बदलता रहता है, पर्सनालिटी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट शब्द का क्या अर्थ है? तो दोस्तों, एथलीट शब्द का अर्थ है प्रतिस्पर्धी। ठीक है, एथलीट शब्द का अर्थ है प्रतिस्पर्धी। यहाँ पे इसका डिटेल दिया हुआ है। एथलीट शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के एथलोस से शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है पुरस्कार का महत्वाकांक्षी या प्रतियोगिता, दोनों होता है। एथलोन का अर्थ पुरस्कार होता है। इस प्रकार पुरस्कार प्रतियोगिता में भाग लेने वाले को एथलीट या प्रतिस्पर्धी कहा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक स्वास्थ्य आपदा को प्रभावित करने वाले कारकों में सम्मिलित है। तो पारिस्थितिकी कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, समाजशास्त्री कारक, ये तीनों कारक सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों का नया दृष्टिकोण है। तो दोस्तों, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य में नया दृष्टिकोण जुड़ा हुआ है। कॉग्निटिव डोमेन यानी कि संज्ञानात्मक डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, मनोभाव डोमेन एंड इफेक्ट यानी कि प्रभाव डोमेन, यानी कि कॉग्निटिव, साइकोमोटर, इफेक्टिव डोमेन, ये तीनों के तीनों शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य के नया दृष्टिकोण से जुड़े हुए हैं। तो उपरोक्त सभी आपका राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा की व्यावसायिक तैयारी की देख रेख करने वाली संस्था है। तो दोस्तों, शारीरिक शिक्षा की व्यावसायिक तैयारी की देख रेख करने वाली संस्था है NCTE। कौन है? NCTE, जिसको हम हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। NCTE यानी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। ठीक है, यह राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 17 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के तहत स्थापित किया गया था। यह शारीरिक शिक्षा की व्यावसायिक तैयारी की देख रेख करने वाली संस्था है। नेक्स्ट है दोस्तों, YMCA कॉलेज मद्रास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, YMCA कॉलेज मद्रास का मुख्य उद्देश्य है शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देना। क्या है? शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देना। YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास की स्थापना 1920 में हेनरी क्रोबक ने किया था, जिन्हें हेनरी क्रोबक को भारत में शारीरिक शिक्षा का पितामह कहा जाता है। जैसा कि YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना सबसे पहले 6 जून 1844 लंदन में जॉर्ज विलियम के द्वारा किया गया। उसके बाद अमेरिका में 1833 में स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में प्रशिक्षण की शुरुआत हुई। फिर एससी बक ने भारत में 1920 में चेन्नई मद्रास में इसकी स्थापना किया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। तो क्या है दोस्तों शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य? क्वेश्चन बार बार आता है, सर्वांगीण विकास।
यानी कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास है जो उसके संपूर्ण जीवन के लिए आवश्यक है। बुक वाल्टर ने कहा भी है कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के शारीरिक, सामाजिक, मानसिक एकीकरण और समायोजन का अधिकतम विकास करना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा की भ्रांति है। क्या है शारीरिक शिक्षा की भ्रांति? क्यों भ्रम में रहते हैं लोग कि शारीरिक सौष्ठव और एवं शारीरिक प्रशिक्षण दोनों शारीरिक शिक्षा की भ्रांति है। लोगों का कहना है कि शारीरिक शिक्षा जो है एक शारीरिक सौष्ठव है या शारीरिक प्रशिक्षण है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये लोगों की भ्रांति है, बट ऐसा नहीं है। भ्रांति यह है कि शारीरिक शिक्षा खेलों के क्षेत्र में जनमानस में लोगों में कई तरह की भ्रांतियाँ हैं। शारीरिक शिक्षा की अधिकांश भ्रांतियाँ शारीरिक विकार, शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित होते हैं। मुख्य भ्रांतियाँ शारीरिक सौष्ठव, अनुशासनहीनता पैदा करना और शारीरिक प्रशिक्षण है। ये भ्रांतियाँ हैं, तीनों याद रखिएगा। शारीरिक सौष्ठव, अनुशासनहीनता पैदा करना, शारीरिक प्रशिक्षण, ये शारीरिक शिक्षा की भ्रांतियाँ हैं। एंड नेक्स्ट है, USA यानी अमेरिका में शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य व मनोरंजन के क्षेत्र में निम्न संस्था है। तो दोस्तों यहाँ पे कहीं भी आपका अच्छा सही ढंग से नहीं लिखा गया है। आप AAPHERD होगा, बट कहीं पे ऐसा नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपको डिटेल दिया गया है कि USA में शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य व मनोरंजन के क्षेत्र की संस्था का नाम है ऑफर्ड, यानी कि अमेरिकन एलियंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस। यह प्यूल हंसीकर के द्वारा 1958 में बनाया गया था, 1958 में बनाया गया था। एंड दोस्तों जैसा कि 5 सितंबर 2013 में ऑफर्ड फिटनेस टेस्ट का नाम बदल करके सेफ अमेरिका कर दिया गया है। सेफ SHAPE से आपका सोसाइटी ऑफ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन कर दिया गया है। एंड इसमें कुल अभी वर्तमान में 6 टेस्ट आइटम हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 टेस्ट आइटम कौन कौन से हैं? पुल ऑफ्स फॉर बॉयज एंड फ्लेक्स आर्म हैंग फॉर गर्ल्स। एंड दूसरा है स्ट्रेट नी सीट अप। एंड तीसरा है शटल रन। चौथा है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। पांचवा है 50 यार्ड डॉस। एंड छठा है 600 यार्ड रन वॉक या 1 मील रन वॉक या 1.5 मील रन वॉक या 9 मील रन वॉक, 9 मिनट रन वॉक या 15 मिनट रन वॉक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग किसे कहते हैं? दोस्तों शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग कहा जाता है उत्तर एथेंस काल में। उत्तर एथेंस काल को शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग कहा जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि उत्तर एथेंस काल में व्यक्तिवाद का बोलबाला था, दर्शन शास्त्रियों का काल था। यहीं पे आपको सुकरात, प्लेटो, अरस्तु आदि महान क्रांतिकारी दार्शनिक हुए हैं। एंड औषधि व्यायाम पर अधिक बल दिया गया, शारीरिक शिक्षा पर बहुत बल दिया गया। एंड हिप्पोक्रेट्स को औषधि व्यायाम का प्रचारक यानी कि चिकित्सा शास्त्र का पितामह कहा जाता है, इसी समय की बात है। एंड इस प्रकार जो पूरे एथेंस काल में को शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे दो मुख्य उद्देश्य थे, युद्ध के लिए सैनिकों को तैयार करना एंड सौंदर्य एवं सद्भाव संबंधी यूनानी विचार को पोषित करना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान जीएस का संबंध है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि पूर्व एथेंस काल में अखिल एवन यानी कि पान हेलेनिक खेल होता था, समारोह, जिसमें ओलंपिक, पिथियन, स्थिमियन, निमियन चार खेल होता था, जिसमें से ओलंपिक खेल एंड निमियन खेल दोनों जीएस देवता के सम्मान में होता था। एंड पिथियन खेल अपोलो यानी सूर्य देवता के सम्मान में एंड इस्थिमियन समुद्र देवता यानी पोसेडियन के सम्मान में। तो यहाँ पे आपका ओलंपिक खेल एंड निमियन खेल दोनों हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन दोनों राइट होगा आपका। तो यहाँ पे दोनों आपका राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर PM जोसेफ पहले आचार्य थे। तो दोस्तों डॉक्टर PM जोसेफ लक्ष्मीबाई कॉलेज, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा एवं खेल संस्थान के पहले प्राचार्य थे।
एंड लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना 11 अगस्त 1957 में ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा आयोग की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों भारतीय शिक्षा आयोग की शुरुआत 1882 में हुआ। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि लॉर्ड रिपन ने सन 1882 ईस्वी में भारतीय शिक्षा आयोग यानी हंटर शिक्षा आयोग को बनाया था। विलियम विल्सन हंटर इसके अध्यक्ष थे। 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग ने सर्व शिक्षा को मान्यता दी। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भारतीय शिक्षा आयोग ने सर्व शिक्षा को कब मान्यता दी, तो 1882 में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल स्थित है, तो आप सबको पता है कहाँ पे स्थित है, अमरावती महाराष्ट्र में। जैसे कि इसकी स्थापना 1914 में दो वैद्य भाई अनंत कृष्ण वैद्य एवं अंबा दास कृष्ण वैद्य ने मिलकर किया था, और इसके दो प्रमुख उद्देश्य थे, यह सारे शिक्षा आंदोलन को भारतीय पुनर्जागरण के राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़ना एंड भारत की परंपरागत व्यायाम पद्धति को इस प्रकार से व्यवस्थित एवं आधुनिकीकृत करना कि इसमें उसमें शारीरिक शिक्षा की पद्धति एवं विधियों के महत्वपूर्ण तत्वों को समावेशित किया जा सके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1920 में YMCA कॉलेज की शुरुआत की किसने की? दोस्तों H.C. बक ने, आप सबको पता है 1920 में H.C. बक ने YMCA कॉलेज की शुरुआत मद्रास में की। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र है, तो दोस्तों शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आत्मरक्षा, खेल, योग, जिम्नास्टिक ये सभी आते हैं, तो उपरोक्त सभी आपका राइट हो जाएगा। जैसे कि इसके अंतर्गत आपका आत्मरक्षा, खेल, जिम्नास्टिक, साहसिक क्रियाकलाप, व्यक्तिगत और टीम खेलें, योग, परंपरागत व्यायाम आदि सभी आते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा की ज़रूरत है, तो किसके लिए ज़रूरत है? दोस्तों शारीरिक विकास के लिए भी ज़रूरत है, मानसिक विकास के लिए भी ज़रूरत है, संवेगात्मक विकास के लिए भी ज़रूरत है, उपरोक्त सभी के लिए शारीरिक शिक्षा की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपको दिया है कि क्या क्या ज़रूरत है शारीरिक शिक्षा किसके लिए, क्योंकि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य होता है व्यक्ति का संपूर्ण विकास करना, तो उसके अंतर्गत क्या आ जाता है, शारीरिक विकास के लिए, संवेगात्मक विकास के लिए, चारित्रिक विकास के लिए, मानसिक शांति के लिए, लोकतांत्रिक मूल्य के लिए, अंतर्राष्ट्रीय मेल मिलाप के लिए, मानसिक विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, सांस्कृतिक विकास के लिए, एंड राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर के द्वारा शरीर के लिए की गई क्रिया शारीरिक शिक्षा होती है, परिभाषा किसकी है? दोस्तों J.P. थॉमस का, वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, बार बार एक घूम घूम के पूछा जाता है कि शरीर के द्वारा शरीर के लिए की गई क्रिया शारीरिक शिक्षा होती है, ये परिभाषा किसने दी है? J.P. थॉमस ने। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा की भ्रांतियाँ हैं, तो अभी जस्ट मैंने कुछ देर पहले बताया था कि शारीरिक शिक्षा की मुख्य भ्रांतियाँ हैं शारीरिक सौष्ठव, शारीरिक प्रशिक्षण एंड अनुशासनहीनता पैदा करना, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य हैं, तो क्या है दोस्तों शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य? व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास, व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास ही शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है, यानी शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास अर्थात शारीरिक, मानसिक, सामाजिक क्षमताओं का विकास कर समाज का एक पूर्ण, सफल, प्रभावशाली तथा आदर्श नागरिक बनाना है, जिससे मनुष्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के विषयों में अपने दायित्व का निर्वाह कर सके। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा कमेंट में बताइए, और डेली बेसिस पर आप प्रैक्टिस करते रहिए। फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।